भारतीयों का सपना होगा पूरा, पाक अधिकृत कश्मीर में लहराएगा तिरंगा। हिमाचल में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, सुनकर पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। पीओके तो भारत का हिस्सा है ही, गिलगित बलूचिस्तान तक होगा नया भारत। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके पर सब्र कीजिए, पाकिस्तान ने क्यों बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सेना की चिनार कॉर्प ने कहा पीओके पर कब्जे का आदेश का है इंतजार, हम हैं तैयार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह ने पीओके पर धैर्य रखने की बात कहते हुए इस बात का संकेत दे दिया कि भारत की नजर गिलगित और बलूचिस्तान पर है और वहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है। इसके बाद तो पाकिस्तान की हालत पतली सी हो गई है, वहां के हुक्मरानों की तो नींद उड़ गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति और चीन के बढ़ते दखल के कारण वहां की जनता त्रस्त है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत को पीओके को लेकर कोई नई रणनीति रहा है। हिमाचल में राजनाथ सिंह के ऐसे तीखे बयानों का मतलब क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अमित शाह की जोड़ी पीओके पर क्या कुछ बड़ा करने वाली है? ये सब बताएंगे आप, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि अब पीओके में तिरंगा ही लहराना चाहिए तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हासिल करने के संकेत दिए थे। राजनाथ सिंह के इस बयान पर सेना की भी प्रतिक्रिया आई है। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा कि भारतीय सेनाएं हमेशा तैयार रहे, एक बार पीओके को हासिल करने का आदेश मिला तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती दी थी कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगित और बलूचिस्तान तक नहीं पहुंच जाते। उन्होंने पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का दर्द हमें ही नहीं बल्कि उन्हें भी परेशान करता है। आतंकवाद के नाम पर तांडव को जम्मू कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर देखा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां कश्मीर में पैदा आतंकवाद का तार अधिकतर मामलों में एक खास संप्रदाय से जुड़ा होता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल की तिकड़ी पीओके को लेकर एक बड़ी प्लानिंग पर काम कर रही है और इनका साथ देने के लिए भारतीय सेना किस कदर तैयार है वह चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट ने बयां कर ही दिया है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना की तैयारी और आधुनिक हथियारों का बेड़ा भारतीय सेना में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि अब भारत पीओके को लेकर सख्त है और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर पाकिस्तान ने पीओके पर आंख तरे दी तो परिणाम काफी बुरा होगा। अब इंतजार उस वक्त का है कि कब पीओके में भारतीय तिरंगा लहराएगा। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति और चीन के साजिशों को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए और आपकी नज़र में राजनाथ सिंह के बयानों का क्या मतलब है? आप अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।